हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा एंड दिस इज़ माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं अपने आईब्रोज, आईलैशेस और पैची बियर्ड्स की। सो एवरीवन वांट्स कि उसकी आईलैशेस बहुत अच्छी दिखे, और आजकल तो लोग मोस्टली मस्कारा और फॉल्स लैशेस यूज़ करते हैं। आई नो कि यूज़ करते हैं, बट आर्टिफिशियल चीज़ तो आर्टिफिशियल रहती है और ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहती है। सो एवरीवन वांट्स कि उनकी आईलैशेस बहुत सुंदर दिखे। सो हमारे आईब्रोज की ग्रोथ बहुत ही बहुत सारी रीज़न से रुक जाती है, या फिर हमारे झड़ने लग जाते हैं। जैसे जेनेटिक रीजंस होते हैं, हार्मोनल रीजंस होते हैं, एजिंग होती है, और जो आईब्रोज हैं वो हमारे फेस को डिफाइन करती है। विदाउट आईब्रोज तो हम लोग कांचा चीना जैसे लगे। सो कोई नहीं चाहता हम ऐसे दिखे। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी होम रेमेडी, सो जिससे आप पा सकते हैं थिकर आईब्रोज एंड थिकर लैशेस। एंड अगर आपकी जो बियर्ड्स हैं वो अगर पैची आती है, मतलब थोड़ी थोड़ी इधर आती हैं इधर नहीं आती, और बॉयज़ को मोस्टली क्या होता है कि लड़कियाँ तो होम रेमेडी यूज़ कर लेती हैं, बट लड़कों को थोड़ा सा शाइनेस फील होता है उसको, तो इसलिए आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत इजी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इस रेमेडी को बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले कैस्टर ऑयल 1 टेबलस्पून। कैस्टर ऑयल के अंदर ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है जो हमारे हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, हमारे हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेयर में इजीली पेनिट्रेट भी हो जाता है और फ्यूचर में होने वाले हेयर लॉस से भी बचाता है। इसे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है कोकोनट ऑयल। हमें 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लेना है। मैं यहाँ पे पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। सो कोकोनट ऑयल के अंदर एसेंशियल प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन ई होता है। इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है जो हमारी आईब्रो को थिक और लॉन्ग बनाता है। सो हमें ये दोनों इक्वल रेशो के अंदर लेना है। और हमारा नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है विटामिन ई ऑयल। आप इसकी जगह ये ग्रीन कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, इवॉन, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। विटामिन इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल को डैमेज होने से रोकते हैं। सो हमें हर चीज़ 1:1 के रेशो में ही लेनी है। सो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। सो मैं यहाँ पे पैक्ड एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। आपको प्लांट वाला एलोवेरा जेल नहीं लेना, बिकॉज इसको हम थोड़े टाइम के लिए स्टोर करेंगे और उस एलोवेरा जेल को हम स्टोर नहीं कर सकते। सो एलोवेरा हमारे बालों को स्मूथ बनाता है। सो हम लोग ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और इसकी एक थिक पेस्ट बना लेंगे। सो अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो इसको आपको लेना है अपने फिंगर पे, एंड इसको अपनी दोनों फिंगर पे अच्छी तरह रब करना है, और इसको अपनी आई लैशेस पे अच्छे से इसको मसाज करना है। हमें एटलीस्ट इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। इसको जिनके बियर्ड्स पैची बियर्ड्स आती हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ उनके बियर्ड्स नहीं आती वहाँ वहाँ इसको यूज़ कीजिए। आपको 7 से 8 दिन में आराम से फ़र्क नज़र आने लगेगा। तो इसकी अच्छे से आंखों पर मसाज कीजिए जब तक ये एब्सॉर्ब नहीं हो जाता। सो आप मुझे बता सकते हैं आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।